दोस्तों आज आपको हम बताने वाले हैं डेबिट कार्ड ईएमआई आपको कौन बैंक सबसे फास्ट देता है, पर्सनल लोन सबसे फास्ट कौन सा बैंक देता है और ऐसा कौन सा बैंक है जिसे आप चुनते हैं तो आपको दिक्कत नहीं होगा और कैसे आप डेबिट कार्ड और पर्सनल लोन ऑफर लेने के लिए सही अकाउंट को चूज कर सकते हैं, अपना एक्सपीरियंस और अपना रिव्यू शेयर करेंगे। मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करके सपोर्ट कर देना और चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब के बेल आइकन को ऑन कर देना। दोस्तों हमारे देश में काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जो अलग अलग बैंकों में अकाउंट ओपन करते हैं, बट सही मायने में अगर मैं आपको बता दूं तो मेरे मायने में मात्र 4 बैंक ऐसे हैं जो डेबिट कार्ड ईएमआई और पर्सनल लोन ऑफर के लिए सबसे आगे आ जाते हैं। पहले आप जान लो कि आपका क्या रीजन है और आप किस में जाना चाहते हो। तो यहाँ पे देखो, पहले नंबर पे HDFC बैंक आता है। डेबिट कार्ड ईएमआई के ऑफर के मामले में, पर्सनल लोन के मामले में इसे कोई पीछे नहीं कर सकता। चाहे कितना भी बैंक अपने इंडिया में आ जाए, इसको पीछे करने वाला कोई बैंक है ही नहीं। मैं सामने से बोलता हूँ और मेरा रिव्यू और मेरा एक्सपीरियंस है और आप लोग भी जानते हैं। दूसरे नंबर पे आपका आ जाता है ICICI बैंक जो है, और इसके बाद जो है आपका एक्सिस बैंक भी है, बट HDFC के बाद ICICI बैंक आ जाता है इस चीज के मामले में। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे SBI बैंक भी डेबिट कार्ड ईएमआई के मामले में आगे निकल के कुछ आता है। कोटक महिंद्रा बैंक भी, समझ जाओ कि ये 4 से 5 बैंक ऐसे हैं जो डेबिट कार्ड ईएमआई और पर्सनल लोन के मामले में ज़्यादा आगे आते हैं। यहीं पे दोस्तों बैंक ऑफ बड़ौदा और सिटी बैंक और भी बैंकें हैं, जैसे कि RBL बैंक, और इसके बाद जो है और भी बैंकें हैं जैसे कि इंडस्ट्रियल बैंक, पंजाब नेशनल बैंक। इसमें आपको डेबिट कार्ड ईएमआई ऑफर देखने को बहुत कम मिलेगा। ऐसा क्यों? दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि जो बैंक की रैंकिंग होती है और बैंक का जो कस्टमर होते हैं उसके बिहाफ पे जो ऑफर्स होते हैं वो प्रोफाइल हिस्ट्री को देखते हुए बैंक हमेशा ऑफर करते हैं। बाकी ये जो 4 से 5 बैंकें हैं, तो आप अगर ओनली, जैसे कि अगर आपका कारण है कि मैं सिर्फ शॉपिंग करूंगा, डेबिट कार्ड ईएमआई ऑफर मेरे को चाहिए, तो आप आंखें बंद करके HDFC बैंक में ट्राई जरूर करना। इस बैंक में आपको ऑफर हमेशा देखने को मिलेगा, और बाकी आप ICICI बैंक में भी ओपन कर सकते हैं, एक्सिस में कर सकते हैं, कोटक में कर सकते हैं। बाकी दोस्तों यहाँ पे अगर आप अकाउंट ओपन कर रहे हैं अपने पैसे को सेविंग करने के लिए, रखने के लिए, और सही मायने में आपका पैसा सेफ रहे, सिक्योरिटी रहे, कभी कोई ऐसा प्रॉब्लम ना आए, तो मैं आपको खुद का सलाह दूंगा, आप यूनियन बैंक ऑफ इंडिया अकाउंट ओपन कर लें। काफ़ी इसकी सर्विस अलग है, पुराना बैंक है और एक भरोसेमंद वाला बैंक है, और भी बैंकें हैं, आप जा सकते हैं BOB बैंक में भी, बट इसमें उतना आपको जो सर्विस मिलेगा आपको यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में, उतना आपको इसमें कुछ नहीं देखें। बट मेरा अकाउंट है, मैं यूज कर रहा हूँ। देखो मैं अपना रिव्यू एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। मैं करीबन आज 10 साल से अपना अकाउंट ओपन किया हूँ यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में। बहुत अच्छी सर्विस लगती है, UPI सर्विस बढ़िया है, बैंक का भी सर्विस ठीक ठाक है, कोई शिकायत नहीं है, पैसा आपका सेफ रहता है। और अगर आपको मेंटेनेंस में जाना है, ज़्यादा ऑफर के लिए आपको लफड़ा पालना है, तो आप HDFC में, ICICI में, एक्सिस में, कोटक में जा सकते हैं। तो आप इस तरीके से ले सकते हैं ऑफर, अपने पैसे को सेविंग कर सकते हैं। दोस्तों मैं आपको एक ही बात कहूँगा कि आप अपने पास 2 या 3 इससे अधिक अकाउंट मत रखना, और कभी भी अगर आप पैसा सेफ एंड सिक्योरिटी में चाहते हैं तो एक अकाउंट में पूरा पैसा कभी मत रखना। ये मैं आपको सलाह दूंगा। अगर ऐसा करते हैं तो उस अकाउंट पे कभी शेयरिंग मत करना, किसी को बताना मत अकाउंट नंबर, ना कभी उस अकाउंट से कोई ट्रांजेक्शन करना। एक आया है साइबर क्राइम फ्रॉड आया है, जो कि 1 रुपये किसी ने गलती से रॉन्ग भेज दिया, कस्टमर पोर्टल पे जाके उनके तुरंत जो है कंप्लेन दर्ज कर दिया, अकाउंट फ्रीज हो गया। इतने लंबे लिस्ट आ चुके हैं कि लोग परेशान हैं। तो पैसा रखना है तो एक अकाउंट में कभी मत रखना, मेरा खुद का सलाह है। और जिसमें पैसा अधिक रखना, वो अकाउंट नंबर से कभी लेन देन मत करना, ये मेरा खुद का सलाह है, नहीं आप दिक्कत में आ जाओगे। बाकी डेबिट कार्ड ईएमआई ऑफर के लिए HDFC, एक्सिस, ICICI, कोटक,
इसके बाद आपका SBI भी रहता है। बाकी और सब बैंक की बात मैं नहीं कर पाऊंगा कि ये बैंक से मैं जल्दी ऑफर तो देखा नहीं, किसी को मिला है मुझे कमेंट में जरूर बताना। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा, वीडियो को लाइक करना, दोस्तों में शेयर कर देना, मन में कोई भी सवाल तो कमेंट कर देना। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।